बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हमने स्वतंत्रता के पूर्व जो पढ़े हुए थे औद्योगिक विकास के अंतर्गत, इसमें औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों केंद्र बिंदु क्या था, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची हुई नीतियां, ध्येय उनका आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि मूल उद्देश्यों के हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था, जिससे कि वे अपना लाभ उठा सकें और यहाँ सिर्फ भारत के लोगों का सिर्फ उपयोग कर सकें। इससे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों को कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे और उद्योग उत्पादन भारत एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। इस तरह से खस्ताहाल अर्थव्यवस्था बनकर ही रह गया था। और मुखर्जी के अनुसार हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 0.5% जो थी वह वर्ष कितनी कम थी, यह हम उस समय देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे निरक्षरता, जन्म दर, मृत्यु दर बहुत अधिक था। फिर देश में संयंत्र और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मशीनरी लगभग पूरी तरह से अन्य देशों पर हम निर्भर थे। फिर आज़ादी के समय भारत का कृषि प्रधान देश था और कारगर जनसंख्या जो थी 70-75% हिस्सा जो थी कृषि में संलग्न था। इस तरह से हम देखेंगे आधारित संरचना बहुत हद तक अविकसित थी। फिर औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले बहुत अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए, जिसमें दादा भाई नौरोजी, VKRV राव और विलियम डिम्बी फिनले आज इन लोग थे। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे, जिसमें ये था कि पट्टेदारी प्रणाली भारत में अंग्रेजों की भूराजस्व प्रणाली थी, जिसमें जमींदारी प्रथा कहा गया था। उसी तरह से कृषि के व्यवसायीकरण का प्रत्यापन भी कृषि के उद्योग खाद्यान्न फसलों को छोड़कर वाणिज्यिक फसलों पर जाने के लिए मजबूर किया, जिससे ब्रिटेन विकसित हो रहा कपड़ा उद्योग को नील की आवश्यकता थी। इसीलिए कृषि के व्यवसायीकरण में भारतीय कृषि को बाजार की अनिश्चितता में परिचित कराया। फिर आधारित संरचना की कमी से ब्रिटिश शासकों ने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने और तकनीकी विकास करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। भारत के विभाजन ने भी भारतीय कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जिसमें कलकत्ता में जूट मिलों तथा बम्बई और अहमदाबाद में कपड़ा मिलों कच्चे माल की कमी हो गई, जिसमें पंजाब और सिंध जैसे अमीर खाद्यान्न क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चले गए थे। स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम जो है टाटा आयरन स्टील उद्योग, ये उस समय के आधुनिक उद्योगों में शामिल थे। फिर स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विद्युतीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे, वे इंग्लैंड को विकसित हो रहे थे और यहाँ कच्चे माल का निर्यातक बनाया, उसके साथ साथ भारत को एक विशाल बाजार में बनाना चाह रहे थे। फिर अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ, इस पर विचार सहमत है उसके पक्ष में कारण, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि ये पूरी तरह से हम सहमत हैं कि उस समय जो ब्रिटिश नीतियां सदा ही स्वहितों को निर्देशित थी, मतलब वे सिर्फ अपना लाभ चाहते थे, दूसरों को कष्ट यदि कष्ट नहीं उठाया तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भारत के लोगों को बेरोजगार के रूप में, मानवीय कष्टों के रूप में कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। हस्तकला उद्योग भारी दर से कर लगाए जाते थे, जिससे कि उनके कच्चे माल भी बहुत ज़्यादा और उनके द्वारा रेशमी वस्त्र जो अधिक महंगे हो जाते थे। फिर भारत को आधारित संरचना की विकास की नीतियों में अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, अंग्रेज इसमें थे अपना जैसे जहाँ उसमें रेलों, पत्तनों, जल विभाग, डाक्टर आदि का विकास हुआ, परंतु ध्येय सिर्फ जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, वे सिर्फ उतना ही लाभ देना चाहते जिनसे उनका कार्य आसानी से हो सके। जैसे अंग्रेजी शासन ने सबसे पहले सड़कें आधुनिक यातायात साधन उपयुक्त नहीं थी, फिर सड़कों के निर्माण के लिए इसे गति किया गया, फिर उसके बाद सेनाओं के आवागमन सुविधा के लिए सड़क बनाए गए, भागों में कच्चा माल निकट तक रेलवे स्टेशन पत्थरों तक पहुँचाया जा सके, फिर डाकतार के माध्यम से कुशल प्रशासन किया। ये उसके उद्देश्य थे कि धर्म का जो है भारत से लाभ अर्जित करके निवेश किस तरह से हम कर सकते हैं। फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन आधुनिक नीतियों ने कमियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि समान गुणवत्ता के किसी भी विकल्प के बिना हस्तकला उद्योग की गिरावट, ब्रिटेन में एकमात्र उद्देश्य सस्ती से सस्ती कीमतों पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करना था और ब्रिटेन से उत्पादित माल को बेचना था, जिससे कि यहाँ बनाई मशीनों में बनाई गई वस्तुओं की तुलना में विदेशी में एक बेहतर प्रतिष्ठा थी, जिसमें कि वे माल जो था सस्ता भी मिलता था और टिकाऊ भी होता था। फिर आधुनिक उद्योग का अभाव, भारत के आधुनिक उद्योग जो थे 19वीं सदी से दूसरी छमाही दौरान विकसित शुरू हुआ, जिसमें कि अंतर उद्योग प्रौद्योगिकी स्तर निम्न रहा, लेकिन 19वीं सदी में इसका विकास हुआ, जिसमें कपास और जूट मिल तक सीमित था। उसके बाद फिर इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, चीनी, सीमेंट आदि भी विकसित हुए। फिर पूंजीगत उद्योग के अभाव में भारत के मुश्किल से ही कोई पूंजीगत उद्योग थे जो आधुनिकीकरण को आगे बढ़ावा दे रहे थे, जिसमें संयंत्र और मशीनरों का आयात किया जा गया, जिससे कि तकनीकी और पूंजीगत वस्तु की आवश्यकता के लिए आयात निर्भर था।